हेलो जयदेव, वेलकम टू डिजिटल नालंदा। गुड मॉर्निंग सबको। एडिटोरियल एनालिसिस के आज के सेशन में मैं आज आपका सेशन दूंगा। जय भीम जय भीम सबको। मेरी आवाज क्लियर है या आज तो क्लियर ही होगी? रीमा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। नाश्ता किया सबने? नाश्ता किया करो, जूस पिया करो। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी चलो, रीमा ने बोल दिया यस। मैं किसी की नहीं सुनता। चलो लेट्स बिगिन एडिटोरियल एनालिसिस। कल यानी ट्यूसडे 22 के 22 मार्च को छपे हुए द हिंदू अखबार में छपे हुए एडिटोरियल्स पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहला एडिटोरियल है डिफॉल्ट चॉइस ऑन रिटर्न ऑफ बीरेन सिंह एज मणिपुर सीएम। इलेक्शंस हुए अभी और इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को अच्छे जगह पर अच्छी रिजल्ट्स मिले हैं, है ना? तो उन्हीं में से एक स्टेट है मणिपुर, जहां पर रिटर्न हुआ है। रिटर्न होना मतलब वापसी हुई है इसकी, वहां के चीफ मिनिस्टर की, है ना? चीफ मिनिस्टर क्या होता है? मुख्यमंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री हम लोग विधानसभा चुनाव के द्वारा चुनते हैं, है ना? मुख्यमंत्री डायरेक्ट नहीं चुनते, लेकिन हमारी सरकार हम चुनते हैं, है ना? और जनरल इलेक्शंस में जो सामान्य इलेक्शन होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री के और उनकी सरकार के। और जो राज्यों के इलेक्शन होते हैं जिसको हम विधानसभा इलेक्शन कहते हैं, असेंबली इलेक्शन कहते हैं, वो होते हैं हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के लिए, है ना? तो बीरेन सिंह का रिटर्न हुआ है कहाँ पर? मणिपुर में। और डिफॉल्ट चॉइस मतलब, चॉइस तो आपको पता है, चॉइस मतलब चुनाव। और डिफॉल्ट का मतलब क्या है? कि हाँ, उनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट कि ये तो तय ही था। अगर जैसे हम कोई आप में से मूवी देखते होंगे कोई, है ना? या मूवी का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं हम, तो हम अगर समझो आप चॉकलेट की बात करें तो एकदम से आपको बाय डिफॉल्ट क्या नाम आता है? डेरी मिल्क आएगा, या जो भी आप ज्यादा पसंद करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आना मतलब एकदम जिसको कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसी चीज, है ना? बाय डिफॉल्ट जिसको हम कहते हैं, ना? तो डिफॉल्ट चॉइस है, यानी एक डिफॉल्ट चॉइस है, यानी उनके अलावा कोई वहां ऑप्शन नहीं है। किनके अलावा? बीरेन सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरी बार मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? गुड मॉर्निंग। चल, तो ये हमारा भारत। मणिपुर कहाँ है मेरे भारत में? मणिपुर कहाँ है? मणिपुर दिख रहा है किसी को? सबको बड़े बड़े स्टेट ही दिखते हैं, हमारे छोटे स्टेट दिखते नहीं है। सेवन सिस्टर स्टेट्स, सात बहने इन्हें कहा जाता है, उनमें से एक। थोड़ा तेज से बोलो विष्णु जी। ओके, तो विष्णु जी आप ही बताइए मणिपुर कहाँ है?
और सेवन सिस्टर स्टेट्स क्यों बोला जाता है इनको, सात बहने, सात बहने। विष्णु जी आवाज आ रही है मेरी, तेज से बोल रहा हूं मैं? तो ये है वो सात बहने, कौन सी है? अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। हाँ, अब त्रिपुरा जो है वो कहाँ, बांग्लादेश से सटा हुआ है। मिजोरम का एक पोर्शन बांग्लादेश से, एक म्यांमार से, आसाम ऊपर भूटान है उसके, अरुणाचल प्रदेश उसके, अरुणाचल के ऊपर क्या है, चाइना है, यहाँ चीन है। यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ आपको सब समझ रहा है, सेवन सिस्टर स्टेट्स के बारे में बता रहा हूं मैं। तो उसमें से एक जो राज्य है मणिपुर, जो भारत के एकदम कोने में है, उसकी राजधानी है इम्फाल। नहीं, इनको केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोलते हैं, इन इनमें अपनी विधायिका है, इनमें अपने एक विधानसभा है, तो इनको राज्य का दर्जा है। सेवन सिस्टर स्टेट्स इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भारत के उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो भारत का जो मेन लैंड सो कॉल्ड बोला जाता है। जैसे ये मेन लैंड है ना, ये पूरा जो है ये पूरा मेन लैंड है। हाँ, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, और ऑलमोस्ट सिर्फ ये देखिए सिक्किम की वजह से जुड़ा हुआ दिखता है, तो ये थोड़ा सा मेन लैंड से दूर रहने की वजह से इसको थोड़ा, और इनकी जो जैसे कहते हैं ना हिली रीजन है, यहाँ पहाड़ी इलाके है। हाँ जी छोटू जी, गुड मॉर्निंग। तो पहाड़ी इलाके हैं ये सारे, और यहाँ की एक स्पेशल वो है कि ये उन देशों से, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, बर्मा, इन देशों से लैंड लॉक्ड है, पूरी तरह घिरे हुए है। तो इनका एक स्पेशल एक जगह बन गई है, और इस वजह से क्या हो जाता है यहाँ, और यहाँ पर क्या है, शेड्यूल एरियाज बोलते हैं इनको। आप शेड्यूल एरियाज के बारे में पढ़िए, तो शेड्यूल एरियाज में यहाँ के कुछ जो ट्राइब्स है यहाँ के, उनको अपने इलाके, उनको ऑटोनॉमी जिसे कहते हैं ना, वहां पर हम ज्यादा खरीद नहीं सकते जमीन है, वो उनकी ऑटोनॉमी वाली जगह होती है। तो यहाँ सेवन सिस्टर स्टेट्स में शेड्यूल एरियाज भी है, जहां पर वो अपने हिसाब से अपने अधिकार उनको मिले हुए हैं। तो ये हम कभी और पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हमको जानना है कि सेवन सिस्टर स्टेट्स में से एक जो मणिपुर है, वहां पर क्या हुआ है, मणिपुर में क्या हुआ है, इलेक्शन हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में क्या हुई है, वापसी हुई है ना। नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, नोंगथोम्बम बीरेन सिंह उनका नाम है। इन चूजिंग टू रिटेन नोंगथोम्बम बीरेन सिंह एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, द भारतीय जनता पार्टी डिसाइडेड टू गो विथ कंटिन्यूटी इन अ स्टेट वेयर ओनली वन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओक्राम इबोबीसी ऑफ द कांग्रेस हैड मैनेज्ड टू कैरी ऑन आफ्टर अ फुल 5 ईयर टर्म, है ना। ये दूसरी बार हुआ है ऐसा। क्या हुआ है कि कोई सिटिंग सीएम थे, उनको सेकेंड बार, दूसरी बार सीएम पर आसीन होने का मौका मिला। इसके पहले कांग्रेस की जब सरकार थी मणिपुर में, तब भी ओक्राम इबोबी सिंह जो थे, उन्होंने भी अपनी एक
सरकार 5 ईयर टर्म पूरी करने के बाद दूसरी बार जब कांग्रेस पार्टी जीती थी तो फिर से उन्हें सीएम पद पर बिठाया गया था। समझा आपको? यहां बस ये बात हो रही है कि नोंगथंबम बीरेन सिंह जो है ये दूसरी बार मणिपुर के सीएम बने हैं और ये एक कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से अपने सीएम पद को बदला नहीं है, उसको कंटिन्यूटी में रखा है ना, उसको जैसे थे रखा है, उसको अपनी वो जिन्होंने जिनके अधीन था या जिनको बिठाया गया था वहां पर उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने कंटिन्यू किया वहां पर, है ना। समझदार हो यार, दिस शुड नॉट कम एज सरप्राइज इवन दो देयर वाज स्पेकुलेशन ऑन द रन अप टू द अनाउंसमेंट दैट अदर कंटेंडर्स शोन देयर हैंड्स टू द रिंग। It was under Mr. Singh's leadership that BJP not only increased its share in the Manipur Assembly from 21 in 2017 to 32 in 22, but had also managed to weather several storms while running a minority government in the last 5 years. अभी क्या है वहां पर पार्टी के भीतर ही बहुत लीडरशिप भी पैदा होती है। भारतीय जनता पार्टी में अन्य कंटेंडर्स भी थे, कंटेंडर्स मतलब कॉम्पिटिटर्स, कि हाँ मैं भी सीएम पद की लायक हूं, शायद मुझे भी सीएम पद आप दे, है ना। सो देयर वाज अ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब ऐसा माना जा रहा था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में दूसरे लोग शायद सीएम पद के लिए उनके नाम जारी हो सकते हैं। पर फिर भी ये एडिटोरियल बोल रहा है ये कोई अचरज की बात नहीं है कि नोंगथंबम बीरेन सिंह को ही वापस सीएम बनाया गया, ये कोई अचरज की बात नहीं है, ठीक है। और वो वहां अन्य लोगों के नामों की बात चल रही थी लेकिन ये कोई अचरज की बात नहीं कि नोंगथंबम बीरेन सिंह को वापस मणिपुर का सीएम बनाया गया। क्यों? तो एडिटोरियल क्या कह रहा है कि इन्हीं की लीडरशिप में, इन्हीं के सरपरस्ती में, इनकी ही नेता के पद के वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाई, 2022 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली है जबकि 2017 में 21 मिली थी, एकदम जिसको कहते हैं ना बाउंड्री की सीट मिले, बस इसी 21 सीट से वो सत्ता में आए थे। अभी वो मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब अभी शायद 40 का उनका असेंबली है, 40 मेंबर्स की आप पता करिए, तो उसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर 50% से ज्यादा मेंबर है तो उनकी वो सत्ता में आ सकती है ना, ये तो आपको पता है कि 50% से ज्यादा अगर आपकी विधानसभा में सीटें आती है, आपके विधायक होते हैं, तो आपकी पार्टी के वहां सत्ता आती है। तो यहाँ उन्होंने, और जब सिर्फ 50% या आसपास है तो उसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट, यानी जस्ट आपने मेजॉरिटी का बस टच किया है, 40 में से 21 आपने सीटें ली है, तो इसको हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। और जो 32 सीटें ली है 40 में से 32, मतलब पूरे ऑलमोस्ट 80% जब सीटें लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट, इससे लिख नहीं पाऊंगा, एब्सोल्यूट
मेजोरिटी है ना, मतलब इनको तो कोई चैलेंज ही नहीं है। 40 में से 32 अगर सीट ले रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहां है। तो मिस्टर सिंह नौतमबम बीरेन सिंह के सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 32 सीटें वहां पर अपनी जिताई है। और जो अन्य स्टॉर्म्स आते थे, यानी स्टॉर्म्स मतलब जब एक गवर्नमेंट माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है तो उसको मिलती है धमकियां, है ना, हम आपका सपोर्ट छीन लेंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे। एक जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है जिसकी खुद की कम सीटें होती है और जो दूसरे पार्टियों पर सपोर्ट के लिए डिपेंड होती है, तो उनको मिलती है धमकियां या उनको मिलता है थोड़ा सा डर रहता है कि हमारी सरकार ना गिर जाए। तो यहाँ वो बोल रहा है कि उन्होंने सेवरल स्टॉर्म्स को वेदर किया, वेदर किया मतलब झेला अपनी पार्टी की पिछली सरकार को, माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट थी वहां पर, उसमें जो खतरे आए समय समय पर, तूफान आए समय समय पर, उनको उन्होंने अच्छे से झेला और अपनी पार्टी को एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा किया 2022 में। तो इस वजह से क्या होता है, उनका जो पलड़ा है भारी था बीरेन सिंह का, और सीएम पद के लिए वो आइडियल कैंडिडेट थे, भले ही किसी को भी उनका एक कॉम्पिटिटर बताया जा रहा हो, लेकिन ये कोई अचरज की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को वापस सीएम पद के लिए चुना। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ज्ञानी के लिए क्लियर। चलिए आगे बढ़ू। माइनॉरिटी गवर्नमेंट क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है। अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सत्ता में है, नरेंद्र मोदी पीएम है, तो उनकी चार लोकसभा में उनके कितने सीटें हैं, 280 280 है ना, मतलब 50% से ज्यादा है, 280 है, 300 है, 280 है। तो उनका वो क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ना। कंटेंडर्स का मतलब है कॉम्पिटिटर्स, यानी एक ही पद के दावेदार, सीएम पद के दावेदार, कंटेंडर्स। कंटेंशन से शब्द आता है, कंटेंशन मतलब लड़ाई। कंटेंडर्स क्या होते हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं या उस पद के लिए वो दावा कर रहे हैं। और कुछ पूछना है? यहां बोला है अदर कंटेंडर्स हैड थ्रोन देयर हैट्स इनटू द रिंग, यानी उन्होंने भी अपनी दावेदारी जताई वहां पे, बताई, अपनी टोपिया रिंग में फेंकी। लिटरल मीनिंग ये होता है, रिंग में फेंकना मतलब, रिंग क्या होता है, बॉक्सिंग रिंग, तो अपनी टोपी फेंकना मतलब कि मैं भी यहां पर लड़ने आया हूं। ठीक है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। मालिक क्या हुआ, आगे बढ़ू, परमिशन है, नहीं दे रहे तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो अनलाइक 2017 में बीजेपी फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन ड्यूबियस सर्कमस्टेंसेस, द कांग्रेस हैड इमर्ज्ड एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद 28 सीट्स। द रूलिंग पार्टी हैड क्लियर कट मेजोरिटी बाय इट्स ओन दिस टाइम। Besides, the BJP government has received post-election support from Janata Dal United and Nagaland People's Front with 6 and 5 MLAs each. The clear verdict from the electorate this time will help Mr. Singh a stable government
फ्री ऑफ द शेनानिगेंस दैट डोमिनेट हिज प्रीवियस टीम. अभी पिछले इलेक्शन में जाते हैं, 2017 में जो इलेक्शन हुए थे तब क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी में थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया, उनके पास सत्ता के लिए जो फिगर्स थे कितने थे, उनके पास केवल 21 सीटें थी, फिर भी वो सत्ता में थी. अभी उस समय 2017 में कांग्रेस को 28 सीटें आई थी, कितनी आई थी, 28. कांग्रेस को 28 सीट आई थी, 28 सीट मतलब उसको सबसे ज्यादा सीट आई थी, फिर भी उसकी सरकार बनाने में वो अक्षम थी. मुझे एक बार चेक करना होगा कि मणिपुर असेंबली कितने मेंबर्स की है, शायद ज्यादा मेंबर्स की है, एक मिनट मुझे चेक करने दे. मणिपुर असेंबली में सीटें जो है वो है 60 सीट्स. तो 60 सीट में से कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी पिछले इलेक्शन में, और बीजेपी को कितनी मिली थी, 21. फिर भी पिछली बार बीजेपी की सरकार बनी थी, कैसे बनी, तो एडिटोरियल कह रहा है कि ये डूबियस सर्कमस्टेंसेस में बनी. डूबियस सर्कमस्टेंसेस, डूबियस का मतलब है गलत रास्ते से, किसी इलीगल या जिसे कहते हैं, जिसको पार्लियामेंट्री नहीं माना जाता, गैर संसदीय रास्ते से ये सरकार बनी है पिछली बार की. तो 60 में से 21 सीटें जिसको मिलती है उसकी सरकार कैसे बनी, उनको सपोर्ट मिला जनता दल यूनाइटेड, नागालैंड पीपल्स फ्रंट और हाँ इनके 6 और 5 एमएलए, यानी टोटल ये कितने हुए, 11 एमएलए और ये 21 मिला के कितने हुए, 11 और 21 कितने हुए, 32. तो 32 सीटें इन्होंने अपनी तरफ कर ली और सत्ता बना ली, 60 में से 32 मतलब मेजॉरिटी मिल गई उनको. मेजॉरिटी कैसे मिली, खुद के बीजेपी के 21, जनता दल यूनाइटेड के 6 और नागालैंड पीपल्स फ्रंट के 5, है ना. ये मिला के जोड़ तोड़ करके 2017 में एडिटोरियल कह रहा है कि डूबियस सर्कमस्टेंसेस में किसी गलत नीति से या कोई चालाकी से इन्होंने सत्ता में आए, जबकि कांग्रेस जो थी वो सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी थी. है ना, उसके बावजूद बीजेपी ने 2017 में सत्ता बनाई, और कैसे बनाई, जेडीयू के 6 और नागालैंड पीपल्स फ्रंट के 5 एमएलए को मिला के. एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, आप लोग जिसको विधायक कहते हैं हिंदी में, मराठी में आमदार कहते हैं. तो 5 विधायकों का, नागालैंड पीपल्स फ्रंट के 5 विधायक और 6 जेडीयू के विधायक का सपोर्ट मिला था भारतीय जनता पार्टी को 2017 में, जब उनके पास 21 मेंबर थे और उन्हें जोड़ तोड़ करके अपनी मेजॉरिटी 32 सीटें प्रूव की. अभी क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को 2022 में खुद ही को 32 सीटें मिल गई है, तो उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं, ये लोग तो सपोर्ट दे देंगे, तो उसी वजह से ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बन जाएगी. तो अभी क्या है, जब
अपनी पार्टी की फुल सत्ता आ जाती है, क्लियर वर्डिक्ट है ना, जिसमें हम कहेंगे क्लियर है कि पब्लिक चाहती है कि ये लोग ही राज्य करें, पब्लिक चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ही राज करते, ये क्लियर वर्डिक्ट है। ये 60 में से 32 सीटें दिया 2022 में, तो ये क्लियर वर्डिक्ट फ्रॉम द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब है जो लोग हमको हमारे लिए वोट करते हैं, इलेक्टोरेट जो चुनते हैं, चुनने वाले लोग या चुनने वाली जनता। तो जनता की तरफ से जब इतना क्लियर मैंडेट या क्लियर वर्डिक्ट आया है भारतीय जनता के फेवर में, तो इसने क्या करना चाहिए, नोंगथंबम बीरेन सिंह को ये हेल्प करेगा क्या करने में, एक स्टेबल एक स्थिर सरकार देने में जिसको कोई खतरा नहीं होता गिरने का। क्योंकि अगर 2017 में इनमें से एक ने भी, एक भी मेंबर, दो मेंबर ने भी हटा दी होती, तीन मेंबर ने या एक पार्टी ने अपनी सपोर्ट हटा दिया होता, तो ये सरकार 2017 वाली गिर जाती है ना। अगर नागालैंड पीपल फ्रंट के 5 MLA निकल जाते तो 32 में से 5 निकल जाते तो कितने बचते, 27 में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाती है ना। लेकिन अभी बीजेपी के खुद के 32 मेंबर आए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधायक विधानसभा में। तो जो पिछली बार शेनेनिगंस जिसको कहते हैं, जो उनको भारतीय जनता पार्टी को जो तकलीफ पहुंचा रहे थे, शेनेनिगंस बोलते हैं इंग्लिश में उसको, मिस्चीफ बोलते हैं, यानी जो जिसको हम कहते हैं ना, जो उंगली करते हैं या जो तकलीफ देते हैं सरकार को अपनी सपोर्टर लोग, मे भी नागालैंड पीपल फ्रंट के या जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने उनको बार बार बोला है कुछ काम कराने के लिए, और वो काम अगर वो नहीं करते तो हम सपोर्ट निकाल देंगे, किस किस्म की बातें वहां करते हैं। और उनको ये एडिटोरियल बोल रहा है कि ये शेनानिगंस है, यानी ये तकलीफ देने वाले लोग थे जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट को, जिसकी खुद की सीटें ज्यादा नहीं है, उसको हमेशा धमकाने में कामयाब रहते थे 2017 के टेन्योर में। लेकिन अभी क्या हुआ है, क्लियर वर्डिक्ट आया है, पूर्ण सत्ता उनको हाथ में मिली है, तो इससे मिस्टर सिंह जो है अपने लिए एक स्टेबल सरकार यानी स्थिर सरकार चलाने में जरूर उनको मदद मिलेगी, है ना। दूसरा इधर क्या किया मिस्टर सिंह ने, एक कैंपेन चलाई जिससे उनको ये मेजोरिटी मिली भारतीय जनता पार्टी, इतने अच्छे नंबर्स मिले। कैसी कैंपेन चलाई थी, गो टू हिल्स गो टू विलेजेस, यानी आपको जैसे मैंने कहा कि ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे जो जिसको कहते हैं ना शेड्यूल एरियाज है, तो यहाँ पर अपनी जमीन का अपने गाँव का बहुत महत्व है। तो इस भावना को उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में लाया। स्टॉप हो गया रिकॉर्ड, यहां से करूं रिकॉर्डिंग स्टार्ट। रिकॉर्ड टू क्लाउड करूं, यहाँ पे खाली आवाज है रिकॉर्डिंग स्टॉप बोल के। तो ये जो भावनात्मक उन्होंने नारे डाले हैं, नारे दिए गो टू हिल्स पहाड़ों में चलिए गांव में चलिए, तो इस ये क्या कर रहे हैं, इट्स बेरिंग फ्रूट, यानी इन्होंने अपना इसी का फल है कि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिली। यानी मिस्टर नोंगथंबम सिंह ने
ऐसी कैंपेन चलाई, ऐसी भावनात्मक स्पिरिटेड भावनात्मक कैंपेन चलाई, स्पिरिटेड मतलब भावनात्मक, लोगों के इमोशनल कैंपेन चलाई जिससे लोग कन्विंस हुए और उनको जिताया, यानी गांव में चलिए पहाड़ों में चलिए ऐसा बोल। तो पिछले इलेक्शन 2017 के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और अभी उसको डर नहीं है कि कोई भी उसका सपोर्ट निकाल लेगा, इस वजह से वो एक मजबूत स्थिति में है 2022 में, और वहां लोगों के भी इमोशंस उनके कंट्रोल में है क्योंकि लोगों ने उनके इस नारे को अच्छे से फलित किया है। यहां तक कुछ पूछना है, कुछ पूछना है यहाँ पर? थैंक यू दर्शन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, 60 में से 32 सीटें एक ही पार्टी को मिली है, तो वो अपनी सत्ता में स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए, स्थिर सरकार देने के लिए सक्षम। तो अब क्या करेगी, अगर स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल मेजोरिटी है, अपनी पार्टी के पास ही अच्छे नंबर्स है, तो उससे क्या होगा, मिस्टर सिंह क्या करेंगे, अब पूरा वेटेज जो है, बैलेंस्ड जो है, बैलेंस्ड मतलब पूरा जो जोर लगाएंगे, जोर लगाएंगे या जोर लगाने के लिए सक्षम हो रहे किसके ऊपर, गवर्नेंस और इमीडिएट नीड्स ऑफ द स्टेट पर, है ना। गवर्नेंस मतलब जो सरकार से अपेक्षित होता है ना, गवर्न करना यानी सरकार चलाने को, और अपने राज्यों की जो इमीडिएट नीड्स है, इमीडिएट नीड्स मतलब एकदम जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं उन पर ध्यान देने के लिए अब वो ज्यादा जोर लगा पाएंगे क्योंकि अभी उनके पास में स्टेबल मेजोरिटी है ना, पूरे नंबर्स है, तो अपनी सरकार पर बचाने की कोशिश में जो उनका समय जाता था मिस्टर सिंह का, अब वो नहीं जाएगा, अब वो सरकार के कामों में और अपने राज्य की जरूरतों पर ध्यान दे पाएंगे। मणिपुर में अब हम देखते हैं क्या स्थिति है। मणिपुर भारत में उन राज्यों में से एक है जहां पर सबसे अच्छे शिक्षा लिटरेसी दर है। लिटरेसी मतलब क्या होता है? अब यहाँ लिटरेट होना मतलब जिसको पढ़ना लिखना आता है, उसका मतलब शिक्षित होना नहीं है, ठीक है। शिक्षित होना, टोटली शिक्षित होना जो होता है उसका मतलब है कि आपको कुछ वहां पर डिग्री या आपका 10वीं 12वीं जो भी डिप्लोमा डिग्री होता है ना, शिक्षा के अन्य अन्य वो होते हैं सारे, जिसको कहते हैं प्रमाण होते हैं। साहित्य कर तो बहुत बड़ा हो जाता है। जनरली ये है कि पढ़ना लिखना आता है तो हमारे लिटरेसी उसी को लेकर बोलते हैं कि पढ़ना लिखना आता है, है ना, शब्द समझते हैं अपने लिए, वो शब्द पढ़ के तो ठीक है, इतना भी आगे अच्छी बात है। तो हायर लिटरेसी रेट है, पढ़ना लिखना जो है मणिपुर में लगभग 80% लोग वहां पर लिटरेट है ना। जो राष्ट्र का एवरेज है, हमारे देश का एवरेज क्या है, 74%, तो उससे ज्यादा ही है। और दूसरी स्थिति क्या है, साक्षरता। हाँ, साक्षरता इज प्रॉपर वर्ड, साक्षर होना यानी अक्षर का, अक्षर जानना, अक्षर को पहचानना, इसमें साक्षर हो, वेरी गुड। तू जाना, क्या नाम है, वेरी गुड, तू जाना।
तो वहां का साक्षरता दर है लगभग 80%, जो भारत के साक्षरता दर से अच्छे खासा ज्यादा है। दूसरा, वहां का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास की जो इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब उसका जो मानक है, ये पूरे दुनिया भर में मानक चलते हैं। पता है कि वहां पर मानव विकास के लिए संसाधन मौजूद है नहीं है, उस बेस पर रैंकिंग होती है। तो मैं उसका बताता हूँ, 0 से लेकर 1 तक रैंकिंग होती है, ठीक है। तो मिजोरम, मणिपुर जो है वो 0.697, 0.697 की दर रखता है या इंडेक्स रखता है, जो कि ऑलमोस्ट मिडल में है ना। 1 मतलब सबसे बेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट है, 0 मतलब सबसे खराब है, 0.1 सबसे खराब है। तो 0.697 मतलब लगभग 0.7 ही है, तो एक मीडियम यानी एक मध्य है वो मानव विकास के मानकों पे। मिजोरम जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे है, और ये डाटा कब का है, 2019 का डाटा है अपने पास। उसमें मानव विकास जो उनका मानक है वो मीडियम दिखाता है, 0 से 1 की स्केल में 0.697 दिखाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट जैसे हमने कहा, वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स थे उनमें मणिपुर से भी ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाले 2 राज्य हैं, वो है सिक्किम और मिजोरम। सिक्किम और मिजोरम में मानव विकास का जो मानक है वो मणिपुर से ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा उत्तर पूर्व के जो राज्य है, 7 सिस्टर स्टेट्स जो है, उनमें सबसे अच्छे नंबर्स जो है वो सिक्किम और मिजोरम के हैं, और उसके बाद नंबर आता है मणिपुर का। ये कौन से हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स कहाँ के, भारत के उत्तर पूर्व के, है ना, नॉर्थ ईस्ट के। बट क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एस्पेशली ऑफ द यूथ रिमेन्स अ की कंसर्न दैट नीड्स टू बी टैकल्ड बाय द गवर्नमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी की वहां पर बहुत जटिल समस्या है, क्रॉनिक है, टेरिबल है, जटिल समस्या है, बहुत बुरी लेवल पर आ गई है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, यूथ यंग लोगों की ये जो सबसे बड़ी समस्या है मणिपुर में, वो सबसे बड़ी एक चिंता का विषय रहेगा सरकार के लिए, जो उसको उसपे से निजात दिलाना होगा, है ना। ठीक है, आपके यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी ठीक है, आपके यहाँ साक्षरता दर भी अच्छी है, ठीक है, लेकिन अभी उसकी वजह से, लेकिन जो वहां के यूथ है, वहां के जो यंगस्टर्स हैं, वो क्या फेस कर रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या जो कि बहुत क्रॉनिक हो चुकी है, जो बहुत बुरी हो चुकी है, और उससे अभी मणिपुर को लड़ना होगा, वो बहुत चिंता का विषय है इस सरकार के लिए, और उसको इसको टैकल करना होगा। टैकल करना मतलब उसको डील करना हो, उसको उस चीज को हल करना हो, है ना। यहाँ तक क्लियर है, कहीं पानी चाहिए, यहाँ तक क्लियर है। मणिपुर और नागालैंड में अभी हम देख रहे हैं, मणिपुर और नागालैंड जो है एकदम लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर के जो विलेजेस है ना मणिपुर और नागालैंड में, इनमें चलता है द्वंद, इसमें चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स चलते हैं।
तो ये बॉर्डर के जो मसले हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, लड़ाइयां हैं मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर के गांवों में, जिसमें लड़ाइयां होती है, वहां पर ब्लॉकेड होते हैं, रोकथाम होती है, तो वो बंद हो जानी चाहिए। और वो कैसे बंद होगी? अगर गवर्नमेंट स्टेबल है, मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, तो वो इसको अच्छे से हैंडल कर सकती है। जो बॉर्डर में जो इश्यूज हो रहे हैं, मणिपुर और नागालैंड के बीच में जो इश्यू हो रहे हैं, जिसमें बार बार वहाँ ब्लॉकेड लगते हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती है, तो वो खत्म करने की क्षमता भी ये स्टेबल गवर्नमेंट रखती है। और वो एक अच्छी पोजीशन में है, अच्छी जगह प्लेस है, प्लेस्ड है भारतीय जनता पार्टी की वहां की सरकार, जो इस टिकलिश प्रॉब्लम को, इस बार बार ऊपर आने वाली इस समस्या को वो अच्छे से हैंडल करने की क्षमता रखती है, क्योंकि उनके पास पूर्ण सत्ता है। भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में भी सत्ता में है, वो हमेशा ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के ऊपर में अपनी चुप्पी साधे हुए रहते हैं, ठीक है। और जब ये इलेक्शन भी हुआ ना, अब ये क्या है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये आप लिख ले, क्या है ये, क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इससे क्या होता है, आर्मी को कुछ अधिकार मिल जाते हैं कि वो बिना किसी, जिसको कहते हैं ना, जानकारी दिए वो अपने हाथ से मे भी डिटेन कर सकती है आम लोगों को, मे भी गोली चला सकती है, या कोई भी एक्शन ले सकती है। इसके प्रावधान आप जान लीजिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के। और ये हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, मणिपुर में, जब जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर ये एक्ट आर्मी को एम्पावर करता है कि वो अपनी तरफ से डिटेंशन के काम करे। आर्मी को कुछ अधिकार इन स्टेट्स में प्राप्त है, जो हमारे स्टेट्स में नहीं है। हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ आर्मी को इतने अधिकार नहीं कि वो हमारे सिविल लाइफ में आकर कुछ प्रॉब्लम खड़ी करे या हमको कोई डिटेन कर पाए। पुलिस कर सकती है, लेकिन आर्मी नहीं कर सकती, है ना। तो ये जो बॉर्डर, जो भी चाइना के पास के या बॉर्डर के जो स्टेट्स होते हैं, उनमें ये पावर दिए जाते हैं आर्मी को। तो उस वजह से क्या हो रहा है, लोगों के ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, जनरली ये बात है। तो ये बहुत अनपॉपुलर है, अनपॉपुलर मतलब लोगों को ये नापसंद है, ये आर्मी को मिले हुए जो अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में इस मुद्दे पर शांत रही है, चुप्पी साधे रही है, और फिर भी जीत गई, है ना, फिर भी जीत गई। यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर, जो आर्मी, केंद्र सरकार की जो आर्मी है, जो मणिपुर स्टेट में अपने पावर यूज करके किसी भी सिविल या किसी भी वहां के बंदे, बाशिंदे को गिरफ्तार कर सकती है, डिटेन कर सकती है, वो बहुत ह्यूमन राइट्स के हनन की बात होती है वहां पर। तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साधे रहे और फिर भी वो जीत गए। लेकिन इसका मतलब, ये एडिटोरियल कह रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दे शुडंट अज्यूम कि लोगों ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को स्वागत किया है ना। केंद्र सरकार का ये जो एक्ट है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो केंद्र सरकार लागू करती है, भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन की जीत से ये ना समझे कि लोग इसका समर्थन करते हैं, है ना। भारतीय जनता पार्टी जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के समर्थन में है, उसकी सत्ता वहां आई है, लेकिन वो ये ना समझे कि लोग भी उस एक्ट का समर्थन करते हैं। यहां तक क्लियर है?
स्टेबल गवर्नमेंट के अपने कुछ फायदे हैं, लेकिन आखिर में 5 साल बाद उनको लोगों के सामने ही जाना होता है, तो इसलिए उनको वो सारे निर्णय अपने मन के भी नहीं कर सकते। उनको पब्लिक या लोगों की जो डिमांड है उसका भी ध्यान रखना होगा। यहाँ तक क्लियर है? So this could come up as a problem yet again. As for the weakened opposition state, BJP's facile victory opens up fresh challenges for Congress' beleaguered leadership, even as smaller parties such as National People's Party have tried to warm up to the BJP by offering outside support. क्या है अभी? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है, जो आर्मी को अधिकार मिले हुए है, ये बार बार भले ही इनके पास स्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन ये जरूर कभी ना कभी उभरेगी ही, क्योंकि राज्य में जो सरकार होती है उसको पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, इस प्रकार की जो ह्यूमन राइट्स हनन हो रहा है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, बार बार लोग ये सवाल उठा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि पूरा अपोजिशन, कांग्रेस का जो अपोजिशन है वो एकदम एकदम जिसको वीकेंड हो चुका है पूरी तरह से, और जिसको है कांग्रेस की जो बुरी हालत है, बीलीगर्ड लीडरशिप हुई है, उनकी जो नेतृत्व में भी जो खतरा है या उनका एक कमजोरी हुई है कांग्रेस की, तो उसमें ये इलेक्शन का जो रिजल्ट है कांग्रेस को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिखता दिख रहा है ना। दूसरा, ये जो छोटी पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी, उसने क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी से करीब आने को देख रही है, और भारत भारतीय जनता पार्टी को आउटसाइड सपोर्ट उन्होंने मणिपुर में दिया है, बाहरी सरकार में शामिल ना होते बाहर से उसको सपोर्ट दिया है नेशनल पीपल पार्टी, है ना, क्योंकि कांग्रेस की हालत वहां कमजोर है, उसको बहुत नेतृत्व में दिक्कतें हैं, और जो नेशनल पीपल पार्टी है जो वहां की एक और एक पार्टी है, उसने भारतीय जनता पार्टी से खुद को उसकी सरकार से खुद को जोड़ लिया है, उसको बाहरी समर्थन जारी कर दिया है। मणिपुर एक वाइटल बॉर्डर स्टेट है, हमने देखा कहाँ पर है मणिपुर, बॉर्डर स्टेट है ये, देखिए म्यांमार यानी बर्मा के बॉर्डर पे, तो उस वजह से क्या है वहां पर एक्सट्रीमिज्म और एथनिक वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म मतलब आतंकवाद और एथनिक वायलेंस, एथनिक वायलेंस मतलब जिसको हम कहते हैं अपनी एक जिसको कहते हैं ना जो ग्रुप सिर्फ अपने एथनिसिटी पे, जैसे हम क्या कहेंगे, जैसे बांग्लादेशी लोग है या बर्मीज लोग है, या वो आजकल जो बर्मा में जो मुस्लिम समुदाय पर जो वायलेंस बताया जाता है कि मुस्लिम उन पर वायलेंस हो रहा है, तो इनको क्या कहते हैं, एथनिक वायलेंस कहते हैं। एथनिक वायलेंस मतलब किसी एक कम्युनिटी को उसकी आइडेंटिटी की वजह से उसको उस पर वायलेंस होना, उसको वहां पर तकलीफें होना, है ना, जैसे मुस्लिम समाज को या दलित समाज को उनकी आइडेंटिटी के ऊपर में वहां पर तकलीफ हो। तो मणिपुर में भी ऐसे एथनिक ग्रुप्स है जहां पर टकराव होते हैं, तो ये जगह जो है यहाँ पर आतंकवाद का भी और इस किस्म के टकराव की भी यहाँ पर इतिहास रहा है, और ये अभी भी इसके जो चांसेस है या इनके अभी भी मौके थोड़े बहुत इसका हमको देखने को मिलता है कि इस किस्म के आतंकवादी एक्टिविटीज और इस किस्म के टकराव, एथनिक टकराव जो है वो जरूर हमको देखने यहाँ मिलते हैं। तो अभी क्या है,
अपोजिशन भले ही कमजोर है वहां, कांग्रेस जो है कमजोर है, और ये सरकार जो है वो अच्छी पोजीशन में है कि वो आराम से बिना कोई दखलंदाजी के अपना काम करता है। लेकिन अपोजिशन का काम क्या है कि सरकार को अपने जिसको टोज पे रखे, उंगलियों पे रखे। क्यों उंगलियों पे? कि सरकार काम कर रही है कि नहीं, ये अपोजिशन का दायित्व है कि वो ये देखे। क्योंकि गवर्नमेंट के पास भले ही स्टेबल उनके पास में सीट्स आई है, वो अपनी मंशा से गवर्नमेंट चलाएगी, हाँ अपनी पूरा जिसको कहे पूरे टर्म में अपने हिसाब से करेगी, लेकिन ये जो विपक्ष है उसका अब ये दारोमदार है, उसके ऊपर ये दारोमदार है कि वो इस सरकार से सारे काम जो है लोगों के लिए, लोगों के हित में, कि वो मैच्योरली यानी एक बोलते ना एक अच्छा विपक्ष बोल के एक सही विपक्ष का ड्यूटी करते हुए सरकार को अपने काम करने पर मजबूर करेगी। ये ओपोजिशन या विपक्ष का काम है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? स्टेबल गवर्नमेंट होने के बाद भी जरूरी नहीं कि वो सारे छूट जाते हैं सारे दायित्वों से, उनको अपना काम जरूर निभाना। लीडरशिप मतलब नेतृत्व, लीडरशिप मतलब नेतृत्व होता है पार्टी की लीडरशिप। कांग्रेस पार्टी जो वहां पर अपोजिशन में है, अलग पार्टियां जो अपोजिशन में है, उनका वहां काम है कि सरकार अपना काम बराबर कर रही है कि नहीं, इसको चेक करना और काम वहां पर लोगों के लिए करवा के लेना। क्लियर है? कुछ सवाल है तो पूछे। चलो आगे। थैंक यू, थैंक यू कैन। अगला जो एडिटोरियल है वो है स्पोर्ट्स के ऊपर में। आप में से सब कितने लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं? तो ये बैडमिंटन चैंपियनशिप के ऊपर ऑन टारगेट ऑन लक्ष्य सेम रन इन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। लक्ष्य सेन जो है ये 20 वर्षीय बैडमिंटन प्लेयर है भारत के। क्या नाम है इनका? लक्ष्य सेन। तो लक्ष्य का अंग्रेजी में मतलब होता है टारगेट, इसलिए मैंने एडिटोरियल का नाम ऑन टारगेट दिया। तो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप बैडमिंटन की ये बड़ी चैंपियनशिप होती है। जैसे आपको टेनिस में पता है विंबलडन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, ऐसे ही बैडमिंटन में, बैडमिंटन जो खेल है वहां पर इसकी सबसे बड़ी चैंपियनशिप होती है। उसमें से एक बड़ी चैंपियनशिप है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये जो एडिटोरियल है ऑन टारगेट यानी लक्ष्य पर, किसके लक्ष्य के लक्ष्य पर, लक्ष्य सेन जो है 20 वर्षीय बैडमिंटन प्लेयर जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कहां पर? ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में। लक्ष्य सेन रन टू द फाइनल ऑफ द ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप शुड रैंक हाई इन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रेट इंडियन स्पोर्टिंग अचीवमेंट। कहां पहुंचे लक्ष्य सेन अभी? फाइनल में, रन टू द फाइनल यानी उनकी जो दौड़ है फाइनल तक की, ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जो कि बैडमिंटन चैंपियनशिप में सबसे टॉप की टूर्नामेंट मानी जाती है, सबसे बोलते ना
वन ऑफ द टॉप टूर्नामेंट मानी जाती है। यहाँ की जो उनकी फाइनल जाने की जो लड़ाई है लक्ष्य सेन की, इसको ये कह रहा है कि इसको हाई रिगार्ड करना चाहिए, इसको लोगों ने बहुत, जिसको कहते हैं ना, इसको एक अच्छे नजर से, ऊपरी इससे देखना चाहिए, क्योंकि ये भारत की जो स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स है, भारत के जो खेल कूद में जो अचीवमेंट्स है, उसमें ये मील का पत्थर या वन ऑफ द अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीजों में से एक ये हो सकती है। क्यों हो सकती? लक्ष्य सेन का जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी बात होगी भारत के स्पोर्टिंग या भारत के खेलकूद के अचीवमेंट्स की फहरिस्त में। उनका क्या हुआ है, 10-21-15-21, ये क्या होता है, ये सेट्स होते हैं बैडमिंटन या टेनिस जो खेलते हैं या टेबल टेनिस जो खेलते हैं, आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स तलिका होती है। तो 10-21 और 15-21 मतलब लक्ष्य को 10 पॉइंट और 21 पॉइंट उनके कंटेंडर को मिले थे, उनके ऑपोजिट प्लेयर को, और सेकेंड सेट में 15 और 21, यानी दो सेट से वो, दोनों सेट में वो हारे थे, किनको, वर्ल्ड नंबर 1 और ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसेन को। ये डेनमार्क के प्लेयर है विक्टर एक्सेलसेन, जो करंटली बैडमिंटन के नंबर 1 है और दुनिया के नंबर 1 से वो हारे है ना, लेकिन दुनिया के नंबर 1 से हारे हैं। तो ये भी उनकी जो ओवरऑल सक्सेस है, वो अभी तक जिस किस्म से लड़े हैं मिस्टर लक्ष्य सेन, उससे ये जो हार है उनकी, और उनकी सक्सेस में रोड़ा नहीं आना चाहिए, यानी लोगों ने उन इस हार से उनकी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं करना चाहिए, और उनकी जो सक्सेस है, उनका जो क्रम है बढ़ते रहने का, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एडिटोरियल पूरी तरह से बोल रहा है कि लक्ष्य सेन को आप कम मत आंकिए, भले ही वो हारे हैं विक्टर एक्सेलसेन से, लेकिन उसको कम मत आंकिए, वो बहुत अच्छे प्लेयर है और वो अभी ऑल इंग्लैंड जो चैंपियनशिप है उसके फाइनल के लिए वो अपनी पूरा जोर उसका लगा रहे हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप क्या है, ये वन ऑफ द ओनली 3 BWS सुपर 1000 टूर्नामेंट्स है। द क्राउड जूस ऑफ स्पोर्ट्स, इट अट्रैक्ट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट, यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF, इसमें 1000 टूर्नामेंट्स होते हैं साल भर के, 1000 टूर्नामेंट्स होते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये बैडमिंटन, ये इस खेल के ऊपर में एक, जो कहते हैं, इंटरनेशनल गवर्निंग इसकी फेडरेशन है, अथॉरिटी है, जो सालाना 1000 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इन टीम में से केवल जो तीन टूर्नामेंट है, ये टॉप की मानी जाती है, और उन तीनों में से एक है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। उन तीन में से एक है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये क्या है, एक सिर का ताज है। अगर इसमें कोई जीत गया ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में, उस प्लेयर को माना जाता है कि ये वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है ना। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत टॉप के लोग पहुंचते हैं ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन, तो इट अट्रैक्ट्स द बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट, यानी दुनिया के बेस्ट जो है उनको, ये वही लोग यहाँ पहुंच पाते हैं, यानी वही लोग यहाँ पर कंटेंड कर पाते, वही यहाँ लड़ पाते हैं। तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन का जो चैंपियनशिप है,
सबसे टॉप का है जहां लक्ष्य सेन पहुंचे हैं और उनकी फाइनल की दौड़ जो है उसको सबने एक आशा से और एक बड़े अचीवमेंट के लिहाज से देखना चाहिए, ऐसा ही एडिटोरियल बोल रहा है। यहां तक क्लियर है? Like Wimbledon is tennis, it is the first among equals, the oldest badminton tournament in the world with more than a century history. Indians have long had emotional connect with All England, the acme of which came with the legendary Prakash Padukone's stunning triumph in the 1980 edition. Wimbledon पता है आपको? टेनिस का विंबलडन जो है वो सबसे पुराना टूर्नामेंट है टेनिस में, सबसे पुराना। तो इसी तरह ऑल इंग्लैंड जो चैंपियनशिप है यहां पर पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट है दुनिया का, सबसे पुराने बैडमिंटन टूर्नामेंट में से है। कितना पुराना? मोर देन अ सेंचुरी हिस्ट्री। सेंचुरी मतलब 100 साल, 100 साल से भी पहले से ये चैंपियनशिप हो रहा है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो 100 साल से भी ज्यादा पहले से हो रहा है। भारतीयों का क्या है इससे कनेक्शन? आपको दीपिका पादुकोण मालूम है? नहीं मालूम? कुछ भी बता रहे। उनके पापा जो है प्रकाश पादुकोण, ये भारत के टॉप के बैडमिंटन प्लेयर थे, मतलब अभी भी है, अभी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन 1980 के दशक में, 70-80 के दशक में भारत के टॉप के बैडमिंटन प्लेयर है। और उन्होंने 1980 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती थी। तो भारतीयों का ये बहुत इमोशनल कनेक्ट है कि कोई भारतीय उसके फाइनल में फिर से पहुंचा है या पहुंचने जा रहा है ना। 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रकाश पादुकोण जो जीते थे, तो भारतीयों का उससे एक अपना इमोशनल, इसको कहते हैं ना, एक उससे जुड़ाव है, क्योंकि भारत ने वहां पर अपना लोहा मनवाया था। कब? 1980 में। और वो किन्होंने किया था? प्रकाश पादुकोण, जो कि आपके, जो आप में से कोई कोई लोग के फेवरेट हीरोइन के पापा है, दीपिका पादुकोण के पापा है प्रकाश पादुकोण, ठीक है। For Padukone Protege to come within one match of emulating his mentor, belying both his age and experience, is an astonishing feat. अब प्रकाश पादुकोण के प्रोटीज, तो ये लक्ष्य सेन जो है ये प्रकाश पादुकोण के ही स्टूडेंट है। अब उन्हीं के स्टूडेंट द्वारा उन्हीं की ही जगह पे, अपनी जगह पे उनको एम्युलेट करना, उनकी जगह पे उनके जैसे ही पहुंचना, अपने मेंटर के जैसे, अपने टीचर के जैसे, ये लक्ष्य सेन की जो एज है और एक्सपीरियंस है, इतनी कम एज में ये सब करना, ये एक बहुत एस्टोनिशिंग फीट है, ये एक बहुत अमेजिंग अचीवमेंट है, एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, उल्लेखनीय है, और एक बहुत जिसको कहते हैं, यानी गौरव की बात है, गौरव का अचीवमेंट है कि इस किस्म की जो बहुत यंग एज में अपने ही गुरु के जैसे उस पोजीशन पे पहुंचना। प्रकाश पादुकोण थोड़े बड़े थे उस समय, और लेकिन लक्ष्य सेन केवल 20 साल के होने के बाद बावजूद ये काम वो कर पा रहे हैं, या यहाँ पर पहुंच गए हैं वो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में वो
पहुंच पाए हैं। तो प्रकाश पदुकोण उनके गुरु, वो 1980 में यहाँ खेले और जीते हैं, ट्रायंफ किया। ट्रायंफ करना मतलब जीतना है ना, ट्रायंफ किया। और उनके ही अभी स्टूडेंट जो है वो उनके कदमों में, उनके जिसको हम कहते हैं ना पद चिन्हों पर चलते हुए, उनको एम्यूलेट करते हुए, उनकी कॉपी करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए वो भी यहाँ तक अभी पहुंच गए हैं। बी लाइन यानी अपनी एज और एक्सपीरियंस के को दरकिनार करते या उसके ऊपर जाते हुए, है ना, बी लाइन करना मतलब उसके भी पार जाना, डिबंक करना उसको। बी लाइन करना मतलब उसकी वजह से उनको कोई मुश्किल नहीं हुई, कम एज के होने की वजह से, एक्सपीरियंस कम होने की वजह से कोई उनको रोड़ा नहीं हुआ, इसको बी लाइन करते हुए वो आगे बढ़ गए हैं और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में पहुंच गए हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? उनके गुरु के जैसा, प्रकाश पादुकोण के जैसा ही उनका दिख रहा है, लेकिन उनसे भी कम एज में वो वहां पर पहुंच गए हैं, लक्ष्य से, लक्ष्य पे पहुंच गए। ठीक है, आगे बढ़ू। वेरी गुड। पूछना है यहां पर, सबसे पुरानी चैंपियनशिप में से एक आता है, तो यहां पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। लक्ष्य से Lakshya is all of 20 and he saw only his third ever appearance in All India. But he shed the big match now with ease as he beat world number 3 and world championship world medalist Anders Antonsen round of 16 and world number 7 and defending champion Lee Jia semi-final to go into history books as the youngest of the 4 players from independent India to reach All England final, others being Prakash Padukone, Pulela Gopichand and Saina Nehwal. England All England Championship में तीसरी बार खेल रहे हैं लक्ष्य सेन, और केवल 20 साल के, और ये केवल उनका तीसरी बार उन्होंने यहाँ पर खेला है, और उसमें भी फाइनल में पहुंचने वाले वो भारत के 4 प्लेयर में से एक है। कौन थे इसके पहले? पहले जो पादुकोण वो जीते थे वो, दूसरे पुलेला गोपीचंद और तीसरी साइना नेहवाल। तो इन तीन भारतीयों के अलावा ये चौथे भारतीय हुए हैं आजाद भारत के जो ऑल इंग्लैंड फाइनल में पहुंचे हैं। और वो कैसे पहुंचे हैं? जो लीग राउंड होते हैं, राउंड ऑफ 16 में जो पहले के राउंड होते हैं यानी क्वार्टर फाइनल वगैरह के फाइनल, तो वहां पर उन्होंने वर्ल्ड नंबर 3 को बीट किया है, एंडर्स एंटोनसेन को, दुनिया के नंबर 3 सीडेड को बीट किया, और वर्ल्ड नंबर 60 जो अभी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन के पिछले साल के विजेता थे ली जी जिया, उनको सेमीफाइनल में हराया, यानी इनको हरा के वो फाइनल में पहुंचे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इस फहरिस्त में वो शामिल हुए जिसमें भारत के टॉप के प्लेयर्स कौन से,
प्रकाश पदुकोण, पुलेला गोपीचंद और साइना नेहवाल शुमार है। इस 100 साल पुरानी चैंपियनशिप में के फाइनल में पहुंचने वाले चार आजाद भारत के बैडमिंटन प्लेयर के लिस्ट में इनका नाम शुमार हो चुका है। यहां तक क्लियर है? वर्ल्ड नंबर 3 को हराया राउंड्स में और वर्ल्ड नंबर 7 को हराया सेमीफाइनल में। और जो वर्ल्ड नंबर 7 थे वो खुद पिछली बार ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीत चुके थे, पिछले साल के विजेता को क्या बोला जाता है? डिफेंडिंग चैंपियन, यानी वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं। अगर 2021 में जो जीता है और वो वापस 2022 के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, जो 2021 में जीता है 22 में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफेंडिंग चैंपियन, जो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहा है। डिफेंड करना मतलब उसके लिए लड़ रहा है अपने अजिंक्य पद, मराठी में जिसको बोलते हैं अजिंक्य पद, चैंपियन होने की उनके पद को डिफेंड कर रहे हैं, उसकी वो रक्षा कर रहे हैं, है ना। तो डिफेंडिंग चैंपियन को हरा दिया लक्ष्य ने, बहुत बड़ी बात है। और फाइनल में पहुंचे हैं और अपने देश के जो टॉप के प्लेयर्स की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं जो फाइनल में पहुंचे हैं इसके पहले, जिसमें से एक जो है मिस्टर प्रकाश पदुकोण, आपके दीपिका के पापा, वो 1980 में जीत चुके हैं। यहां तक क्लियर है? जी सर, जी सर, हमको दर्शन सर। It is fair to say that Lakshya has been building up to this. He was marked for out for success since young, and he lived up to that promise with medals at the Youth Olympic and Junior, World and Asian levels. Lakshya जो है वो इसके लिए जरूर तैयार थे और इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे थे। और उसका प्रमाण क्या है? उन्होंने यंग एज में ही यूथ ओलंपिक्स में जूनियर, वर्ल्ड और एशियन लेवल पर मेडल्स प्राप्त किए हैं। बहुत यंग एज में उन्होंने अपना काम जारी कर दिया था और मेडल्स प्राप्त करने वाले, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ फर्स्ट टाइम वो सीनियर लेवल पे खेल रहे, उन्होंने जूनियर लेवल पे भी यंग रहने के समय भी जूनियर वर्ल्ड लेवल पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर और एशिया लेवल पर मेडल प्राप्त किए, और यंग ओलंपिक्स जो होते हैं उसमें भी उन्होंने मेडल प्राप्त किए हैं। While the excellence in juniors is no harbinger of success at the senior level, Lakshya under tutelage of Dronacharya awardee Vimal Kumar has transitioned rather well. The last 4 month performance in fact proves this. अभी लेकिन देखो, बहुत से जूनियर जो प्लेयर होते हैं जो जूनियर लेवल में जीतते हैं, जरूरी नहीं वो सीनियर लेवल पे भी जीते, तो ये हार्बिंगर नहीं है। हार्बिंगर मतलब ये इंडिकेटर नहीं है, ये उसका मानक नहीं है कि जो जूनियर जीता है वो सीनियर में भी जीतेगा। लेकिन लक्ष्य ने क्या किया है? मेहनत की है अंडर ट्यूटलेज, ट्यूटलेज मतलब उनके ट्रेनिंग में। ट्यूटलेज का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। किनकी ट्रेनिंग में? विमल कुमार के अंडर वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है भारत सरकार से। यू विमल कुमार उनको ट्रेन कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग में उन्होंने ट्रांजिशन किया है खुद को। ट्रांजिशन मतलब अपने आप को सीनियर लेवल के लिए अडेप्ट किया है, लेवल को सीनियर लेवल पे खेलने के लायक बनाया है।
और ये जो 4 महीने के पिछले 4 महीने के जो उनके परफॉर्मेंस है ये उसका सबूत है, ये प्रूफ करते हैं कि उन्होंने अपने आप को सीनियर लेवल के लिए किस अच्छी तरह से ढाला है ना। तो लोग कहते हैं कि हाँ जूनियर में जीत लिया, जरूरी नहीं बड़े में भी जीतेगा, है ना। लेकिन अपनी जो ट्रेनिंग उन्होंने इस किस्म से फिनिश किया, अच्छे से ट्रेन किया है, जिस वजह से उन्होंने सीनियर लेवल के लिए खुद को अच्छे से तैयार किया, जिसका सबूत है कि पिछले 4 महीने में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस ना। 2021 के दिसंबर में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया वर्ल्ड चैंपियनशिप, और उससे उनका नाम अब क्या आया, उन 7 भारतीयों में आ गया जो दुनिया के टॉप के बैडमिंटन प्लेयर में आ गया। उन 7 भारतीयों में उनका नाम शुमार हो गया है जो दुनिया के वर्ल्ड पोडियम, पोडियम मतलब उस लेवल पर, पोडियम पर यानी उस स्टेज पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। कांस्य पदक वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने दिसंबर 2021 यानी रिसेंटली जीता है, जिसकी वजह से उनका नाम भी टॉप के भारतीय प्लेयरों में, दुनिया वर्ल्ड लेवल पर जो टॉप के भारतीय प्लेयर है उनमें शुमार हो चुका है। यहां तक क्लियर है? तो क्लियर है, आगे बढ़ू? थैंक यू। ठीक है, तो मतलब ये बता रहे हैं कि ये किस किस्म की इन्होंने तैयारी की, किस किस्म का इनका और काम रहा है, और 4 महीने से इनकी जो बढ़ता क्रम है चैंपियनशिप्स में मेडल जीतने में, ये उनकी अपनी मेहनत जो है वो रंग ला रही है, और अभी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में वो पहुंच चुके हैं। इसके पहले क्या हुआ, अब इसके बाद में क्या हुआ, दिसंबर के बाद में जनवरी में इंडिया ओपन जो एक चैंपियनशिप होता है वो भी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंडर ही होता है। उन्होंने जो इंडिया ओपन के जो वर्ल्ड चैंपियन थे, इंडिया ओपन में 2021 में जीते हुए जो चैंपियन थे, लो क्यान यू को उन्होंने हराया। इंडिया ओपन में वो जनवरी में उन्होंने जीत हासिल की और टाइटल अपने नाम किया। ये BWS सुपर 500 में आता है, इंडिया ओपन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सुपर 500 में आता है, जिसके 2021 में जो चैंपियन थे लो क्यान यू, उनको हरा के लक्ष्य ने अपने नाम ये चैंपियनशिप 2022 में जनवरी में अपने नाम कर ली। उसके पहले जर्मन ओपन में क्या किया, जर्मन ओपन जो है इसी महीने यानी मार्च महीने में जर्मन ओपन जब हुई, उन्होंने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंथनी गिंटिंग को हराया, और उसके बाद एक्सेल सेन जो है उनको भी हराया, जिनसे अभी वो रिसेंटली हारे हैं उनको भी हराया, और वहां रनर अप मतलब सेकेंड पोजिशन पे आया। जर्मन ओपन में वो दूसरी वरीयता पे आए, मतलब चैंपियनों को हरा हरा के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसका मायने ये है कि उनका कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ते जा रही है, और बड़े बड़े चैंपियंस को हरा कर वो अपनी पोजीशन हासिल कर रहे हैं, भारत में इंडिया ओपन जीत के और जर्मन ओपन में सेकेंड पोजीशन पर, रनर अप पोजीशन पर आकर वहां पर फिनिश किया उन्होंने। ही इज नो लॉन्गर जस्ट एन ऑब्जर्वेशन बट द प्रोवाइडर ऑफ दैट इमोशनल रूट फॉर मेनी यंग इंडियन फैन एंड प्लेयर। आप में से जो लोग क्रिकेट देखते हैं तो उनके कोई प्लेयर्स को लेकर इमोशनल हुक होता है। इमोशनल हुक मतलब कि हाँ
इसको तो इस प्लेयर को तो देखना ही है, भले ही इंडिया हारे या जीते, है ना। तो इस किस्म का बैडमिंटन में जो लक्ष्य सेन है वो एक इमोशनल हुक, एक जिसको कहते हैं, उनको देखना बनता ही है, ये जरूर इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि सिर्फ हाँ ये खेल रहा है बोल के ही नहीं देखना है, इन्होंने अपने आप को एक ये प्रूव किया है कि हाँ ये बंदा देखने लायक है, इनकी प्रोग्रेस देखने लायक है। तो जो स्पोर्ट्स लवर्स है, बैडमिंटन लवर्स है, यंग इंडियन फैंस जो है और खिलाड़ी है, उन्होंने लक्ष्य का खेल देखना बहुत जरूरी हो गया है, ये उनका इमोशनल हुक जैसा या उनकी एक देखने वाली जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज में से एक जरूर लक्ष्य सेन हो सकते हैं और होने की पूरी उन्होंने ताकत दिखाई है। एलीट बैडमिंटन इज नो डाउट एन अनफॉरगिविंग एंड अनरिलेटिंग जर्नल एज ही फाउंड दैट अगेन एक्सटेंशन ऑन संडे, बट इफ लक्ष्य कंटिन्यूज टू शार्पन हिज गेम, स्प्रूस अप इट्स बॉडी एंड डेवलप अ चैंपियन माइंडसेट, द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। एलीट बैडमिंटन का मतलब है जो टॉप का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, टॉप की जो श्रेणी का बैडमिंटन होता है, वहां आपको कोई माफी का नहीं है, आप हार गए तो हार गए, वो ब्रूटल है, वो अनरिलेंटिंग है, मतलब उसमें कोई रीजन आप नहीं दे सकते कि अरे उन्होंने गलती से वो किया, क्योंकि बैडमिंटन में काफी जो मतलब साइकोलॉजिकल भी वहां पर प्रेशर होता है बैडमिंटन टेनिस जैसे खेलों में। तो ये दोनों में क्या हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है कि आप इतनी सी गलतियों का आपको फेस करना पड़ता है, उस वजह से डिफीट हो जाती है। तो ये जॉनर जो है एलीट बैडमिंटन, ये अनफॉरगिविंग है, यानी उसमें कोई माफी नहीं है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और एक्सेल सेन को जो रविवार को जो हारे हैं, टॉप जो वर्ल्ड बेस्ट आदमी को वो हारे हैं बैडमिंटन प्लेयर को, ये उसका प्रमाण है कि यहाँ पर कोई माफी नहीं है। लेकिन लक्ष्य अगर अपने गेम पर ध्यान देते हैं, उसको शार्पन करते हैं, उसको अच्छे से काम करते हैं, अपनी बॉडी को वो और फिट बनाते हैं, तो और एक जीतने वाले का चैंपियन माइंडसेट बनाने का जब वो काम करते हैं, तो उनके लिए चीजें हासिल करना, चैंपियनशिप हासिल करना की पॉसिबिलिटीज है वो एंडलेस है, यानी उसका कोई अभी हम नंबर्स नहीं बता सकते। अगर उन्होंने अभी से अपने आप को बनाया और अपना गेम और अच्छे से विकसित किया, अपनी बॉडी को उस तरह से फिट किया और अपने दिमाग में एक जीतने वाले का, हासिल करने वाले का जज्बा अगर पैदा किया, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, उनके लिए पॉसिबिलिटीज एंडलेस है, मल्टीपल हो उनके पास में गुंजाइशें है जीतने। ठीक है, कोई सवाल? कुछ सवाल मतलब कोई इशू एनीथिंग जो समझा नहीं है? हेलो, अगर कोई सवाल नहीं है तो खत्म करें आज का सेशन। हेलो, परमिशन है? सवाल पूछे। अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब है जहां पर, जिसको कहते हैं ना हम, जहां कोई बातचीत का मतलब मौका नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा वहां, यानी आप हार गए तो हार गए, अब वहां आप कोई रीजन नहीं दे सकते। गेम कैसे होते स्पोर्ट्स में कि भले ही अच्छा वो है, गेम आपका बहुत अच्छा है, बहुत आप लगन से खेल रहे हो, लेकिन एक चूक हो जाती है, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो,
कि हाँ ये शॉट में ढीला भी डाल दूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। तो यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं, यहाँ पे आपको हर गेम हर शॉट आपको अपनी पूरी जो बोलते हैं ना पूरा आपको गेम प्लान से और स्ट्रेटेजी से खेलना हो तो कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर कोई दूसरा जिसे कहते हैं रीजन नहीं दे पाते हार का, इतनी ही चूक से आप हार जाते हो, क्योंकि सेट का खेल है, पॉइंट का खेल है। एक दो भी गेम आपने ऐसे ढीले खेल दिए, कॉम्प्रोमाइज कर दिया अपनी तरफ से, तो बैडमिंटन में बड़े बड़े चैंपियन इस वजह से हार जाते हैं। असंगत, हाँ असंगत भी एक उसका मतलब है, पर यहाँ जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग का लिटरल मीनिंग अलग है, लेकिन यहाँ जो मतलब हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल ढिलाई बरतनी नहीं पड़ेगी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे पढ़ाई में भी ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं, पढ़ाई में आप बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग चीज है, थोड़ा सा भी चूक हो जाए एग्जाम में वही सवाल आ गया हो गया फिर है ना, जो सवाल हम बोलते हैं छोड़ दो नहीं आएगा एग्जाम में वही आ जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और कुछ ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है, जो जिसने नाश्ता नहीं किया जल्दी नाश्ता कर लो, जिसने खाना नहीं खाया अभी खाना खा लो, दूध पियो, ख्याल रखो खुद का, और डिजिटल नालंदा में पढ़ते ही है, जुड़े रहिए हमसे, पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई के शेड्यूल बनाइए, एग्जाम्स का डेट्स आप ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अब मिलेंगे हम कल फिर से, आज शाम के भी सेशन में फिर से मिलेंगे, ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक यू।